सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल गुरुजी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ टेकटॉक्स की गुरुफ्रेश एपिसोड में और लेके आया हूँ आपके लिए बहुत ही कमाल की टेक न्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं। सर करते शुरुआत सबसे पहले पुराने पोल के साथ, जहां पे सवाल ये था कि आखिर आपने पहली बार मोबाइल फोन यूज करना कब शुरू किया। तो आप इस बोला मेजॉरिटी 56% ने कि ये कम हुआ है 2015 के बाद। वैसे 21% लोग हैं जो 2011 से 2015 के बीच में भी खैर फोन यूज करते थे, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे हैं जो उससे पहले मोबाइल फोन यूज किया करते थे। वैसे मेरे को काफी टाइम हो गया यार, पता नहीं कितने सारे फोन्स मैंने यूज़ किए। मैंने फिलहाल हमारे पास बहुत सारे आईफोन तो मेरे ही पड़े हैं। यहाँ पर दोस्तों आज का मेरा सवाल आपसे ये है कि आप ज़्यादा सिक्योर किसको मानते हैं, iOS को या फिर एंड्रॉयड को? मतलब आपका दोस्तों क्या है जवाब, मुझे बताना जरूर सीधा पोल सेक्शन में जाते हुए, नीचे कॉमेंट करते हुए, और हमेशा हर बार की तरह दबा डालिए वीडियो में सीधा लाइक बटन को। दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले वीवो V25 को लेके। यहाँ पर दोस्तों इंडिया लॉन्च अब लगता है कि 3rd week of August में होने वाला है। V25 आएगा, V25 Pro आएगा, प्रो जो है या जो स्पेशल एडिशन है वो लगता है सितंबर में लॉन्च होगा। देखते हैं कि आखिर इन फोन्स में क्या क्या स्पेक्स वीवो पैक करता है और किस प्राइस में हमको ये फोन्स इंडिया में देखने को मिलेंगे। यहाँ पर दोस्तों हमारे पास में रिलायंस जियो की तरफ से खबर निकल के आती है। जो मुकेश अंबानी है उन्होंने दोस्तों अभी एज डायरेक्टर जो है वो स्टेप डाउन कर लिया है, और आकाश अंबानी जो है उनको दोस्तों बना दिया गया है चेयरमैन ऑफ बोर्ड जियो का। तो ये कुछ अपडेट्स निकल के आए हैं। वैसे अभी जियो में क्या उथल पुथल धमाल मचने वाला है वो खैर हम देखेंगे। जियो का 5G, जियो का 5G फोन, जियो का 5G धन धनादन ऑफर, देखते हैं ये सब चीज़ें खैर कब तक होंगी। फिलहाल हमारे पास में नथिंग फोन 1 को लेके खबर निकल के आती है, और इसकी जो प्राइस है यार वो लीक हुई है कि ये कुछ 30-31 हज़ार रुपये के आसपास तो स्टार्ट होने वाला है अपने बेस वेरियंट के साथ में। और इसके अलावा खैर इसके अंदर अलग अलग वेरियंट्स वगैरह भी होने वाले हैं। ब्लैक और वाइट दो हमको अलग अलग कलर्स में फ़ोन मिलेगा। देखते हैं ऐसे बाकी डिटेल्स क्या रहती हैं इसी नथिंग फोन 1 की, और अवेलेबिलिटी वगैरह क्या रहती है लॉन्च के बाद में। यहाँ पर दोस्तों हमारे पास में सैमसंग गैलेक्सी X कवर 6 प्रो, इसके रेंडर्स लॉन्च से पहले लीक हो गए हैं। ये एक रगेड फोन है सैमसंग की तरफ से, 4050 mAh की इसमें बैटरी होने वाली है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे एक 6.6 inches का फुल HD+ डिस्प्ले वगैरह भी होगा, मतलब काफ़ी दमदार सा फ़ोन होगा। बाकी अगर देखते हैं प्राइस, वैसे इंडिया में तो आता नहीं है फोन, तो मतलब बात करें क्या ही फायदा है हमारे पास। दोस्तों यहाँ पे अभी क्वालकॉम जो है वो अगर हम मानते हैं रिपोर्ट्स की तो शेड्यूल से कुछ 2 हफ्ते पहले लॉन्च कर देगा स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 को। तो यहाँ पे दोस्तों ये जो है 8 Gen 2 ये और कुछ तगड़ा होने वाला है। बेसिकली दिसंबर में क्वालकॉम लॉन्च करते हैं, इस बार लगता है कि नवंबर में ये काम हो जाएगा। तो देखते हैं कि क्या तगड़ी पावर पैक करता है क्वालकॉम इसी 8 जेन 2 में, और फिर कौन सा फ़ोन होगा जो सबसे पहले इसी नए वाले प्रोसेसर के साथ में लॉन्च होगा। या दोस्तों हमारे पास में एप्पल जो है वो अगर हम मानते हैं मिंगची को की, तो भैया अभी तक अपने खुद के 5G मोडम्स डेवलप नहीं कर पाया है। तो अभी दोस्तों क्वालकॉम जो है वही रहेगा सप्लायर एप्पल का 2023 के लिए भी। तो आईफोन 15 वगैरह जो भी आएगा उसमें भी जो मोडम्स होंगे वो क्वालकॉम के ही एप्पल यूज़ करने वाला है। हमारे पास दोस्तों यहाँ पे भी OnePlus Nord Buds और OnePlus Bullet Wireless Z2 को लेके अपडेट निकल के आता है। ये कुछ कुछ नए कलर ऑप्शंस जो हैं वो इनके अंदर आने वाले हैं, तो मतलब थोड़ा सा ऐसा नया फ्लेवर आपको मिल जाएगा अगर आप यूज़ करना चाहते हैं OnePlus Nord Buds या फिर Bullet Wireless Z2 ईयरफोन्स को। यहाँ पर दोस्तों हमारे पास में Asus ने लॉन्च किया है एक पोर्टेबल गेमिंग मॉनिटर। यहाँ पर दोस्तों ये है ROG Strix XG16, इसमें इनबिल्ट बैटरी है 7800 mAh की। तो मतलब आप इसमें ऑन द गो दोस्तों इसको यूज़ कर सकते हैं एज अ पोर्टेबल मॉनिटर, आप जो है वो यूज़ कर पाएंगे। एंड्रॉइड जीसिंक टेक्नोलॉजी के साथ में आता है और 1.5 घंटे में फुल चार्ज भी हो जाता है। 15.6 inches का है, तो गेमर्स के लिए शायद एक बहुत ही अच्छी बात हो सकती है। यहाँ पर दोस्तों हमारे पास में भी HMD ग्लोबल ने लॉन्च कर दिया है नोकिया का G11 Plus, एक बजट एंड्रॉयड फोन है। यूनिसॉक T60 के साथ इसको लॉन्च किया, मतलब यार नोकिया ना बजट में खेले जा रहा है यार, ये कुछ नया पता नहीं क्यों नहीं कर रहा है। मतलब वी रियली वॉन्ट नोकिया का ऐसा अल्टीमेट फ्लैगशिप फोन, पता नहीं खैर अब वो दिन कभी आएगा। यहाँ पर दोस्तों हमारे पास में लिनोवो लीजन हेलो जो है इसको स्पॉट किया गया है गीक बेंच पे, जहाँ पर दोस्तों स्नैपड्रैगन 8 प्लस जेन 1 इसके अंदर होने वाला है। और अगेन ये एक तगड़े वाला गेमिंग स्मार्टफोन होगा लिनोवो की तरफ से अपनी लीजन लाइनअप में। बाकी खैर देखते हैं वैसे ROG जो है वो तो खैर भी आने वाला ही है, तो आगे कौन निकल पाएगा। हमारे पास दोस्तों यहाँ पे गूगल पिक्सल 7 को लेकर खबर निकल के आती है कि यहाँ पे जो सेल्फी कैमरा है उससे हम 4K वीडियोज़ को रिकॉर्ड कर पाएंगे।
तो आई मीन काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है वैसे हिसाब किताब। अभी ऐसे में पिक्सल टैबलेट जो है वो आने वाली है साथ में, वो आएगी सिंगल कैमरा के साथ में, तो देखते हैं पिक्सल 7 लाइनअप गूगल कब ऑफिशियली अनवील करेगा हमारे पास दोस्तों। यहाँ पे मोमब्लांक की जो समिट 3 स्मार्ट वॉच है वो अभी iOS के साथ में भैया कंपैटिबल होने वाली है, तो यार ये काफ़ी इंटरेस्टिंग बात है। मतलब वैसे तो एप्पल के लिए यार देखो जो बेस्ट वॉच अगर है तो वो एप्पल वॉच ही है, लेकिन स्टिल मोमब्लांक समिट में अभी यहाँ पे यू नो एप्पल का भी सपोर्ट आ गया है हमारे पास दोस्तों। अभी फेसबुक ने रिवैम्प कर दिया है अपने ग्रुप्स को, चैट चैनल्स को इंट्रोड्यूस कर दिया है, मतलब काफ़ी कुछ चीज़ें दोस्तों यहाँ पे रिवैम्प की हैं डिज़ाइन पॉइंट ऑफ व्यू से फेसबुक ने। तो अगेन आप जो है वो थोड़ा सा और नए तरीके से फेसबुक के इन सभी नए फीचर्स को यूज़ कर पाएंगे हमारे पास दोस्तों। यहाँ पे यूट्यूब जो है 12 महीने का फ्री यूट्यूब प्रीमियम दे रहा है भैया, अगर आप अपने दोस्तों को रेफ़र करते हैं तो काफ़ी सही है, और आप जो है वो 12 महीने तक का भैया फ्री प्रीमियम जीत सकते हैं रेफरल की मदद से। अगली दोस्तों कहानी निकल के आती है गार्मिन को लेकर। गार्मिन ने भैया टीज कर दिया है एक नई स्मार्ट वॉच के लॉन्च को इंडिया में, जहाँ पे कुछ सोलर टेक्नोलॉजी को भैया गार्मिन काम में लेने वाला है। अभी ऐसे में देखते हैं, वैसे तो अभी लॉन्च डेट रिवील नहीं करी है कि आखिर ये स्मार्ट वॉच कौन सी होती है और किस प्राइस पे आती है। गार्मिन तो एक्सपेंसिव तो होना ही है यहाँ दोस्तों। हमारे पास में टोयोटा और सुजुकी जो है वो मिलकर काम कर रहे हैं प्योर ईवी क्रॉसओवर के ऊपर इंडिया में, तो लगता है कि भैया जल्दी ही आ सकती है, और मतलब यू नो अगेन एक नया और हो जाएगा हमारे पास में एडिशन ईवी की दुनिया में नई गाड़ी का टोयोटा और यू नो सुजुकी की तरफ से। यहाँ पर दोस्तों ट्विटर जो है 4 जुलाई तक की भैया डेडलाइन लेके बैठा है। यहाँ पर दोस्तों गवर्नमेंट ने फाइनल डेडलाइन दी है, 4 जुलाई तक का टाइम दिया है कि भैया कंप्लाई कर लो पुराने जितने भी ऑर्डर्स थे ब्लॉकिंग के उनके साथ में, अदरवाइज जो इंटरमीडिएटरी वाला जो स्टेटस है वो भैया छिन जाएगा, यू नेवर नो ब्लॉक लॉक भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अभी देखते हैं ऐसे में कि ट्विटर जो है क्या होता है 4 जुलाई के बाद में इंडिया में इसका फ्यूचर हमारे पास दोस्तों। यहाँ पे HTC ने लॉन्च कर दिया डिजायर 22 प्रो, बोलते हैं मेटावर्स के लिए फ़ोन बना दिया। मतलब यार ये सिंपल सा मिड रेंज फ़ोन है स्नैपड्रैगन 695 के साथ में, कुछ इसमें इतना दम वाली बात नहीं है, लेकिन बोलते हैं कि भैया देखो ये फ़ोन बनाया मेटावर्स के लिए, ऐसा वैसा एक एवरेज मिड रेंज फ़ोन है HTC ने लॉन्च किया है डिज़ायर 22 प्रो। पता नहीं कौन ही डिज़ायर करेगा इस फ़ोन को लेके। यहाँ दोस्तों हमारे पास में Xiaomi 12S Ultra जो है इसमें भैया आने वाला है 1 इंच वाला सोनी का IMX989 कैमरा सेंसर, तो मतलब काफ़ी तगड़ा वाला जो है वो पूरा सीन हो जाएगा मेरे ख्याल से इस फ़ोन में। अब बाकी खैर देखते हैं कि और क्या स्पेक्स रहती हैं Xiaomi 12S सीरीज़ की, बिकॉज लाइका के साथ में मिलके लगता है कुछ तो Xiaomi अच्छा ही अचीव करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर दोस्तों लास्ट खबर निकल के आती है IIT हैदराबाद को लेके, और यहाँ पर दोस्तों ये एक साल का कोर्स लेके आ गए हैं 5G के ऊपर, और 500 इंजीनियर्स दोस्तों यहाँ पर ट्रेनिंग देने वाले हैं 5G के ऊपर, जहाँ पे मतलब ये जो 12 महीने का एक सर्टिफिकेट प्रोग्राम है 1 अगस्त से शुरू होने वाला है, और काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है कि 5G के ऊपर अभी कोर्स आ गया IIT हैदराबाद में। देखते हैं इंडिया के और बाकी कॉलेजेस में यूनिवर्सिटीज़ में कैसे हम इसी टेक्नोलॉजी को आगे और डिटेल में पढ़ पाएंगे। तो दोस्तों बस फिलहाल में इतना ही, देखने के लिए आपको धन्यवाद। मुझे उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर आपका कोई और सवाल सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर आपने वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना ऐसी वीडियोज लेके आता रहता हूँ। दोस्तों फिलहाल में इतना ही, जय हिंद, वंदे मातरम।